हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग इंस्टॉलेशन ऑफ वर्टिकल रोलर मिल के बारे में बात करेंगे। ये एक सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें हम मिल बॉडी के टॉपिक तक को कवर करेंगे, और ऐसा ये यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम होगा जहाँ पे इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया गया हो। हालांकि इंस्टॉलेशन एक वर्टिकल रोलर मिल का 5 से 6 महीने लग जाते हैं प्रैक्टिकली यदि बात किया जाए, बट मैं कोशिश करूंगा कि ब्रीफ में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं फ्रॉम फाउंडेशन फ्रेम चेकिंग टू कमीशनिंग ऑफ वीआरएम, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आपका जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा इस पार्ट वन के वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग मैं और भी इसके सब्सिक्वेंट पार्ट्स लाता रहूंगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे, ये हमारा वर्टिकल रोलर मिल है। ओके, इसी के इंस्टॉलेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये देख रहे होंगे, ये हमारा कंक्रीट फाउंडेशन फ्रेम है, और ये जो पाइपलाइंस आप देख रहे होंगे ये सारे, ये हाइड्रोलिक पाइपलाइंस प्लस रोलर लुब्रिकेशन के पाइपलाइंस मिल फाउंडेशन के चारों ओर बिछे होते हैं। ये हमारा जो दुल्हन की तरह ढका हुआ है, ये हमारा मिल मोटर है जो कि अभी हम ढके हुए हैं, कमीशनिंग का टाइम चल रहा है। अभी बरसात के टाइम और धूल धूप से बचाने के लिए हमने कवर कर रखा है। ये जो भी आप देख रहे होंगे इसे हम ब्लेडर एक्यूमुलेटर बोलते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको सब पार्ट्स का नाम बता देता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करेंगे कि कैसे इसके इंस्टॉलेशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ये सारे ब्लेडर एक्यूमुलेटर देख रहे होंगे, हर पेडेस्टल पे ये लगा होता है। इस साइड में आप देख रहे होंगे, ये हमारा गैस डक्ट का एंट्री पॉइंट है। ये दोनों साइड में डबल एंट्री पॉइंट है आपका, जो हॉट एयर का फ्लो होगा फैन के थ्रू इधर से आएगा। ये हमारे एक्सपेंशन ज्वाइंट आप इधर देख पा रहे होंगे, ये हमारे कुछ एक्सपेंशन ज्वाइंट ऐसे लगे होते हैं दोनों साइड में। ये हमारा चार रोलर वाला मिल है, तो ये पहला पेडेस्टल ये वाला, ये दूसरा पेडेस्टल, और दो अपोजिट साइड में पेडेस्टल होंगे। ओके, ये हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ओके, ऊपर चलते हुए ये देखो आप, ये इंस्पेक्शन डोर हो गया मिल बॉडी का। ओके, इसे हम मिल बॉडी बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसे मिल बॉडी बोलते हैं। ये जो पाइपलाइन आप देख रहे होगे, ये जो चारों तरफ मिल के चारों तरफ है, इसे सीलिंग एयर पाइपलाइन बोलते हैं, जो कि हमारा रॉकर आर्म से कनेक्टेड होगा। अभी कनेक्शन होना बाकी है इसका, उसके बारे में बात करेंगे। और ये छोटा सा पार्ट यदि आप देख पा रहे होगे तो ये हमारा रॉकर आर्म होता है जो कि पेडेस्टल के बियरिंग सीटिंग एरिया में रहता है। अब इसके ऊपर बढ़ते हुए ये हमारा देखो, ये क्लासीफायर लोअर हाउसिंग इसे बोलते हैं, और ये हमारा क्लासिफायर अपर हाउसिंग हो गया। ओके, मैंने फोटो नीचे से लिया है इसीलिए आपको टॉप व्यू में नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये फ्रंट व्यू आप देख लो। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अभी इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो, डेफिनेटली करो, ताकि आपके साथ साथ मेरा भी कुछ नॉलेज इंक्रीज हो वीआरएम से रिलेटेड। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मुझे अभी सामने सामने दिखा वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके अंदर में, हमारा रोलर हो जाएगा, फिर टेबल के ऊपर रोलर रेस्ट करता है, इनसाइड में हमारा ग्रेट फनल हो गया, क्लासीफायर के अंदर ही हमारा इस रोटर होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं ये। लेकिन अभी जो लेफ्ट में हमारा फोटो लगा था वो मैंने शो किया है ऊपर ऊपर से। किसी नेक्स्ट वीडियो में हर एक पार्ट्स का भी मैं फोटो के साथ आपको बताऊंगा। अभी तो हमारा टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ वर्टिकल रोलर मिल, इसके प्रोसेस, इसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ वर्टिकल रोलर मिल। तो पहला स्टेप जो होता है हमारा, मिल फाउंडेशन को चेक करना होता है। इसके
जो सिविल इंजीनियर ने हमारा कंक्रीट फाउंडेशन बना के दिया है वो एज पर ड्राइंग है कि नहीं है, इन द सेंस ये जो हमारे पॉकेट्स होते हैं, ये पॉकेट्स का जो साइज है एज पर ड्राइंग है कि नहीं, ये जो मिल सेंटर होता है, मिल का ये सेंटर पकड़ लो, यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, वो एज पर ड्राइंग है कि नहीं, ये सारे डायमेंशन को हम चेक करेंगे। और ये जितने भी सरफेस हैं हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल, इन सारे सरफेस को हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, ताकि जब हमारा फाइनल ग्राउटिंग हो तो जो कॉन्क्रीट हो वो अच्छे से हमारे फाउंडेशन फ्रेम को पकड़े। और उसके बाद एज पर ड्राइंग हम यहाँ पे पैकिंग प्लेट्स डालते हैं, जहां जहां पे जैक बोल्ट आएगा अलाइनमेंट के टाइम पे, वहां पे ये सारे पैकिंग प्लेट्स एज पर ड्राइंग हम डालते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ वीआरएम। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। तो फाउंडेशन फ्रेम का चेकिंग होने के बाद ये सब जो आप देख रहे होंगे इसे हम फाउंडेशन फ्रेम बोलते हैं। ये सारे जो पार्ट्स यहाँ पे हमने क्रेन के थ्रू हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, इस साइड पे तीन पार्ट्स में हमारा फाउंडेशन फ्रेम आया था, उसे हम फाउंडेशन फ्रेम के ऊपर रखेंगे। और इस साइड वाला आप देख रहे होंगे तो ये वाला हमारा मोटर बेस फ्रेम होता है। इसे हम प्लेस करेंगे। इसके बाद अलाइनमेंट स्टार्ट होता है, ताकि सारा जो फाउंडेशन फ्रेम है हमारा वो एक लेवल पे रहे। जब इसे हम मेंटेन कर देते हैं और सेंटर डिस्टेंस जो भी है वो एज पर ड्राइंग है, उसके बाद क्या करते हैं, इन सारे जो फाउंडेशन फ्रेम है इन्हें फिक्स करेंगे। फिक्स इन द सेंस कि जब हम इसका वेल्डिंग करने वाले हैं तो इसका जो डायमेंशन हमने एज पर ड्राइंग रखा है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा। आपको भी पता होगा जब कभी भी हम वेल्डिंग करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपस में वो सिकुड़ जाता है, वो खींचता है मेटल टू मेटल, जब वो हम वेल्डिंग करेंगे तो वो आपस में खींचेगा एक दूसरे एक अपनी ओर, तो वो ऐसा ना हो इसीलिए इसका सपोर्ट लगा के वेल्डिंग के लिए हम फाउंडेशन फ्रेम को रिलीज करते हैं। इसके बाद का स्टेप अगले की स्लाइड में हम देखें। चलो तो अब हम तीसरे स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही हमारा फाउंडेशन फ्रेम का फुल वेल्डिंग हो जाता है, उसका डीपी टेस्ट करके हम सारे डिफेक्ट्स को हटा देंगे यदि कुछ होगा भी, तो उसके बाद हम एक-एक करके क्रेन के मदद से सारे पेडेस्टल को एक-एक करके फाउंडेशन फ्रेम के ऊपर रखेंगे। ये सारे जो ये जो देख रहे हो इसे हम पेडेस्टल कहते हैं, ये चारों पेडेस्टल को हम बारी बारी से फाउंडेशन फ्रेम के ऊपर रखेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज बोल्ट्स, यदि आप देख पा रहे होगा ये सारे जो लंबे वाले बोल्ट्स हैं, इसके मदद से हम पेडेस्टल और फाउंडेशन फ्रेम का कनेक्शन करते हैं। इन दोनों के बीच में यदि आप देख रहे होगे तो इन दोनों के बीच में हमारा ब्रिज आता है, जो कि दो पेडेस्टल को कनेक्ट करने के काम में आता है। ऐसे ऐसे हमारे चार ब्रिजेस होंगे जो चारों पेडेस्टल को एक साथ कनेक्ट करेंगे। और इसके बाद ब्रिज रखने के बाद हम पेडेस्टल का अलाइनमेंट करेंगे, फिर ब्रिज का अलाइनमेंट करेंगे। जैसे ही अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है एज पर द ड्राइंग, फिर हम इस ब्रिज और पेडेस्टल का वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। इधर वेल्डिंग करेंगे, इधर वेल्डिंग करेंगे, इधर वेल्डिंग करेंगे और इस साइड में करेंगे। तो क्या हमारा ब्रिज का वेल्डिंग कंप्लीट हो गया विद पेडेस्टल। उसके बाद हम ये नीचे की ओर बढ़ेंगे जहाँ पे ये पेडेस्टल और फाउंडेशन फ्रेम की वेल्डिंग होगी। तो हमारा सारा फिक्स हो गया। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में हमारा मिल बॉडी सॉरी मिल फाउंडेशन का चेकिंग हो गया। उसके बाद फाउंडेशन फ्रेम जो कि डिफरेंट पार्ट्स में आते हैं उसे हम प्लेस करके अलाइन करेंगे, फिर उसका वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग करने के बाद इस सारे पेडेस्टल को रख के ब्रिज और पेडेस्टल के अलाइनमेंट करने के बाद, इसकी वेल्डिंग करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। होप अभी तक आपको ये बातें क्लियर हो रही होगी। चलो
जैसे ही हमारा पेडेस्टल और ब्रिज का वेल्डिंग हो जाता है, उसके बाद हम रिंग डक्ट को ब्रिज के ऊपर रखेंगे और इसका अलाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। अलाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा रिंग डक्ट हो गया। इसका अलाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद इसकी वेल्डिंग हम ब्रिज के साथ कर देते हैं। उसी तरीके से ये हमारा इस साइड में आप देख रहे होंगे, इसे हम ब्रिज गैस डक्ट बोलते हैं, जो कि रिजेक्ट साइड में है हमारा। इधर से जो रिजेक्ट वाला मटेरियल होगा वो भी फॉल करेगा रिजेक्ट बेल्ट कन्वेयर में। ओके, इसकी हम वेल्डिंग अलाइनमेंट करके इसके साइड में हम वेल्डिंग चारों तरफ कर देंगे। ओके, चलो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको सिर्फ अलाइन करना है और एज पर द ड्राइंग कितना थिकनेस का वेल्डिंग है उतना कर देना है। ओके चलो, अब हम बात करेंगे कि मिल बॉडी। जैसे ही हमारा रिंग डक्ट का वेल्डिंग हो जाता है, गैस डक्ट का वेल्डिंग हो जाता है, तब जाके हम मिल बॉडी को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो क्या होता है, किसी किसी साइड में यदि मिल का साइज ज्यादा होता है तो उस केस में जो हमारा मिल बॉडी होता है दो पार्ट में आता है। तो दो पार्ट में आता है, उसे पहले हम प्री असेंबली बेड पे जो भी डायमेंशन होता है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, उस डायमेंशन के हिसाब से इसे प्री असेंबल कर देते हैं। ओके, प्री असेंबल करके इसको सिंगल यूनिट में बनाते हैं। सिंगल यूनिट में बनाने के बाद इसे हम जो रिंग डक्ट का फ्लैंज होता है उसके ऊपर रख देंगे। ओके, ये आप देख रहे होगे, ये मिल बॉडी है हमारा। इस मिल बॉडी का जो बॉटम है, ये हमारा रिंग डक्ट का जो फ्लैंज है, इसके ऊपर हम रख देंगे। ओके, और फिर इसका अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट में हमें ये ध्यान रखना है कि जो मिल बॉडी का जो डोर होता है उसका सेंटर जो होता है, हमारा जो रोलर का सेंटर है या फिर अभी जो है हमारा पेडेस्टल का सेंटर, उससे मैच करना चाहिए। और भी डायमेंशंस होते हैं एज पर ड्राइंग, उसे हमें मेंटेन करना है। जैसे ही ये मेंटेन हो गया फिर हम वेल्डिंग का क्लियरेंस दे देंगे। और वेल्डिंग जो होता है, एक फ्लैट प्लेट प्लेट होगा, ये देख रहे हो, ये चारों तरफ हम इसे बिछाते हैं। टैक वेल्ड पहले करेंगे, उसके बाद स्टिच वेल्ड कर देते हैं। स्टिच वेल्ड, फिर जाके हम रूट वेल्डिंग मारेंगे। रूट वेल्डिंग मारने के बाद उसका हम डीपी टेस्ट करेंगे, कोई डिफेक्ट है तो हटाएंगे। फिर हम जितना भी रिक्वायर्ड थिकनेस है वेल्डिंग का ड्राइंग में, उसके हिसाब से ये वेल्डिंग को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो ये काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग बोर भी हो रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, जबकि मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसीलिए यदि इस वीडियो पे आपका रिस्पांस अच्छा रहा, यदि आप वाकई में आपको लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, वीडियोस बनाई जानी चाहिए, सेकेंड पार्ट लाना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं इसका सेकेंड पार्ट ला। ओके, तो थैंक यू फॉर आप इतना प्रीशियस अपना कीमती समय निकालने के लिए और कुछ नया जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अभी हम थोड़ा डिस्कस ये भी कर लेंगे कि यदि आप कहते हो पार्ट 2 लाने के लिए, तो उसमें हम देखेंगे कि रोकर आर्म का इंस्टॉलेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ओके, रोलर और टायर का असेंबली हम कैसे करेंगे, फिर गियर बॉक्स का इंस्टॉलेशन कैसे होगा, क्लासिफायर का हम असेंबली कैसे करते हैं, तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वीआरएम के इंस्टॉलेशन में, उसे हम एक-एक करके कवर करेंगे। ओके, चलो तब तक के लिए, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे लाता रहूंगा। और कमेंट्स जरूर करें, और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, कुछ भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा लेके, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। उससे क्या होता है कि मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपके डाउट्स होते हैं तो मैं भी सर्च करके, यदि नहीं पता होता है तो मैं भी सर्च करता हूँ, तो इससे क्या मेरा भी थोड़ा नॉलेज इंक्रीज होता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट कीजिए, इवन आपको इतना भी डाउट हो कि 20 के बोल्ट में हमें कितना न्यूटन मीटर का टॉर्क रखना है ना, तो इतना छोटा भी डाउट आपका यदि हो ना, तो आप कमेंट करके जरूर पूछो।
ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूं। ओके, चलो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। लव यू ऑल, थैंक यू।